नाश्ते में है आज अंडा और पराठा और साथ टिंडे हैं जो मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा। बस अम्मी ने फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए रख दी है तो मैंने तो बस इसी से नाश्ता करना है। जल्दी से नाश्ता करते हैं और फिर ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल है सबकी। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे, फिट होंगे। और भाई सुबह से लेके ये टाइम आ गया, मैं ब्लॉग एडिट कर रहा था, फिर यूट्यूब पे अपलोड किया, फेसबुक पे अपलोड किया, हर जगह से अपलोड करके अब फारिग हूँ। 4:30 या 4:45 का टाइम हो रहा होगा क्योंकि रात में मैं ब्लॉग एडिट करता हूँ, मेरे को नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी तो मैं नहीं कर पाया। तो मैंने कहा सुबह उठ के कर लूँगा, तो सुबह उठ के जब करा और ये सब सारे काम शाम किए तो मैं अब जाके फारिग हूँ, असर की अजान हो रही है। तो अभी इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर स्टार्ट। वीडियो को अभी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हम लोग 1000 के बहुत ज़्यादा करीब हो गए, बहुत ज़्यादा 100 या 120 रहते हैं। तो फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब करो ताकि हम लोग जल्दी जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर मार लें। तुम कहाँ जा रहे हो? नमाज़ पढ़ने। शाबाश शाबाश, जल्दी से नमाज़ पढ़ लो भाई, मैं भी नमाज़ पढ़ने चल लेता हूँ। हाँ मैं आ रहा हूँ, मैं मुझे नहीं सिखाया। अभी चलते हैं नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं, और जो नमाज़ के टाइम पे ये ब्लॉग देख रहा है वो भी नमाज़ पढ़ ले और उसके बाद आगे मेरा ब्लॉग देखे और लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। सो वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। हाँ तो भाई नमाज़ वगैरह पढ़ के हम हो गए हैं फारिग और अभी हम लोग खा रहे हैं मैक्रोनी, पता नहीं मैक्रोनी है कि पास्ता है, जो भी है, बहरहाल क्या है ये मैक्रोनी है। इसमें मायोनीज नहीं डला हुआ, आज केचप डला हुआ क्योंकि मायोनीज खत्म हो गया था। यार चुप हो जाओ बदतमीज। तो अभी हम लोग खाएंगे मैक्रोनी फटाफट से VIP तरीके से और उसके बाद देखेंगे भाई आगे के क्या सीन होंगे हमारे आज के। अरे ये कैमरा किसका है? मेरा। ये तो अभी भी जिंदा है। इसको तो मैं मरा। भाई आपका कैमिल किधर है? अंदर। अबे यार देखो ये कैमिल तो इनका तो मर गया, अब क्या होगा? हानी कैमिल जिंदा कैसे होगा? क्या बोल रहे हैं? लब्बाई कल्लाऊ। तो गाइस मैं आप लोगों को एक चीज बताना भूल गया था वो मैंने अभी नोटिस किया क्योंकि इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ कि मेरी इंस्टाग्राम पे एक रील वायरल हो गई है जो मैंने सऊदीया में बनाई थी। 34 से ऊपर उसके व्यूज़ आ गए हैं, 34K और 7K से ऊपर उसके लाइक हो गए हैं। मैंने जब देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, मैंने कहा कि यार चलो कुछ तो वायरल हो रहा है, मतलब इट इज़ कुकिंग कि मैं ये कर सकता हूँ। तो अभी सीन कुछ ऐसा है कि बस बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी देख के, तो मैंने कहा सोचा आप लोगों से भी शेयर कर दूं। और अभी चलते हैं बाहर वगैरह और देखते हैं कि आज के क्या सीन वगैरह होते हैं। मेरे लिए तो आज का भाई यही टॉपिक अच्छा रहेगा कि मेरी इंस्टाग्राम पे रील वायरल हुई, क्योंकि इंस्टाग्राम पे बहुत कम चीज़ें वायरल होती हैं और मैंने 34K व्यूज़ मार दिए, इट इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर मी। तो अभी चलते हैं बाहर और देखते हैं भी क्या सीन होते हैं भाई आगे के। शाबाश, अच्छी चीज़ें सीखा करो, जैसे कि ये सीख रहे हो अच्छी बात है। पढ़ो ऊंची ऊंची पढ़ो, ऊंची ऊंची पढ़ो, चलो पढ़ो 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 आप लोग। गाइस मैं आपको एक बंदे से मिलवाता हूँ जो ईद के चांद से भी कम आते हैं। ये देखो लेडीज हो गया, आप छुप क्यों रहे हो? हैं सलाम अस्सलाम वालेकुम, मुबारकबाद दो मुझे, मुबारक उम्र मुबारक बोलो, उम्र मुबारक। सब कुछ बताना पड़ता है इन लोगों का यार, हम लोगों ने कभी देखो कैमरे के आगे तो हम कभी आए नहीं ना दोस्त। कब आओगे बॉस? बस तुम्हें हैं क्लर्क, कब आओगे? तुम जलील और बेइज्जती करने के लिए हमारा हाथ पकड़ते हो क्यों? मैं जलील और बेइज्जती करने के लिए तुम्हारा हाथ पकड़ता हूँ? अबे यार तू मेरी जान है, ये तू दिखा ये कैमरे में बोल रहा है, देख ले कैमरा बंद करके गालियां, फिर तू गालियां देता है। बेटा गाली तो मैं देता ही नहीं, अल्लाह का शुक्र है भाई, गाली गाली है। गाली हुज़ैफ़ा भाई आप बताएं, मैं इस बात में कोई दो राय है? मैं गाली देता हूं, मैं व्लॉग में कुछ नहीं बोलूंगा, बिन्ने के अब्बू ने मारा है मुझे। भाई वजह तो बता दें, बिन्ने की बेइज्जती ज्यादा कर दी, आउट हो गया मैच की क्या पोजीशन चल रही है? जन्नत ने पूरा मिस करा उसके बाद आउट हो गया, जन्नत ने मिस किया भाई, जन्नत ने करा था। खैर जो भी करे भाई हमें क्या, पाकिस्तान जिंदाबाद, जब पाकिस्तान का मैच होगा हम जब देखेंगे भाई। ये तमाशा वालों ने क्या किया था पहले मैच में पाकिस्तान के, आ ही नहीं रहा सिग्नल, ही नहीं आ रहे भाई, सिग्नल नहीं आ रहा ना, तमाशा वालों में थोड़ा प्रॉब्लम रहा। नहीं करो नहीं करो, ऐसा नहीं बोलो, समझा करो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, कॉपीराइट मार देंगे तमाशा वाले। अबे मार दें खैर, कॉपीराइट खा के बताओ कितनी आदत हो गई हम लोगों को। नो स्पीकिंग यार भाई, हम यार छोड़ दे, माफ कर दे अंकल को। अबे मार रहा है यार कुत्ते की तरह।
माशाल्लाह व्लॉग वगैरह कर रहे हो, आप नहीं गए श्रीलंका? मैं क्यों जाऊं? आपको नहीं बुलाया था? अबे यार अभी पैसे नहीं है ना, पैसे आएंगे इंशाल्लाह। भाई फिर देख तो सब्सक्राइब करो इसका चैनल यार, जल्दी जल्दी देख रहे हैं, लाइक करो जल्दी जल्दी करो ताकि वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने जाएं, जा सके ये कहीं ना कहीं तो जाए दोस्त, तो कहीं ना कहीं जाए, यही नहीं दिखाओ गली, एक ही गली दिखाते हो तुम बार बार। क्या करें भाई, गरीब है, गरीब ब्लॉग्स यार, अमीर बंदे हो यार आप माशाल्लाह, आप रोज ना दिल से केएफसी के आगे बैठे हैं, स्पीच चल रही है भाई, मैं देख रहा होता हूँ तुम लोगों के ब्लॉग। तो खैर यार अभी सीन कुछ ऐसा ही है, मैं आपको बता तो दिया है मैंने, और इन लोगों को भी बता दूँ कि भाई इंस्टाग्राम पे मेरी रील वायरल हो गई है, 34K व्यूज हैं, सही है। अच्छा अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। चल आ जा मोहसिन के पास चलें, खाना खिलाएगा ना तू? क्यों वायरल हो गई ना तेरी एक वीडियो? वीडियो एक तो वायरल तो वैसे बहुत है, लेकिन इंस्टा पे फर्स्ट टाइम हुई है 34K, वो हमारी भी अचीवमेंट फॉर हमारी बदौलत ना। अबे यार तेरे दोस्त हमारी तेरी फॉलोइंग ज्यादा है, देख नहीं रहा? माशाल्लाह माशाल्लाह सजाद भाई, इंस्टाग्राम पे 34K व्यूज आए मेरी रील पे। यार वो जो खाने का वाली नहीं थी जिसपे बारिश हो रही थी, वीडियो भी तो फिर ऐसी थी कि उस पर मिलियन व्यूज भी आ जाए तो कम थे, लेकिन मेरे अकाउंट पे आ गए, बहुत बड़ी बात है। आप लोग चेहरा वेरा ना देखें कोई मसला नहीं है, पर वो जगह देखें, बड़ी अच्छी जगह है, उसको चेहरा क्यों ना देखें? चेहरा में क्या बुराई है? ये क्या क्या बोल रहा है, ये मेरी बेइज्जतियां कर रहा है भाई, भाई इसको घर जा, अल्लाह हाफिज़। देख ले फिर बोलता है तू भगा रहा है। नहीं 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 नहीं, तू खड़ा हो पूरी रात, खड़ा हो यहाँ पे, चौकीदारी कर, मसला नहीं है, कोई नहीं मना करेगा। क्या दे दूँ? गन गन दे दूँ, मुजफ्फा गन दो इनको, नो स्पीकिंग, गन रखवा दीजिए अंकल के पास, रखवा। अबे गन छीन ली अंकल ने तेरी? अबे खैर हो गई यार, खैर हो गई यार अंकल, माफ कर दो। बिन्ने के अबू ने मारा इतना बुरे तरीके से, हमारा गन भी रख ली बेचारे की यार। चलो यार मैच वैच देख ले हम लोग थोड़ा बहुत, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे, अभी ज़्यादा फोकस इन लोगों का मैच में लगा हुआ है, क्योंकि अगर अफगानिस्तान ने 37 आवर से पहले पहले चेस कर लिया तो अफगानिस्तान क्वालिफाई कर जाए। अबे नहीं होना चाहिए भाई, नहीं होना चाहिए ना, मुझे खुद जहर लगते हैं सीरियसली, जितना ये जिस तरह का ये लोग जेस्चर दिखाते हैं ना ग्राउंड में, आई हेट देम। नसीम शाह को फिर बुलाना पड़ेगा इनकी लेने के लिए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बाहर हो जाएंगे अफगान। तो जी इस लोगो करते हैं यहीं पर एंड, फिर मिलेंगे हम लोग इंशाल्लाह कल नए व्लॉग के साथ, अब तक के लिए आप लोग रखो अपना ख्याल, कल पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच भी है, तो गाइस दुआ करना कि पाकिस्तान जीत जाए, वैसे जीत तो जाएगी, लेकिन बांग्लादेश भी कोई हल्की टीम नहीं है भाई, बहुत मार रही है, पता नहीं कौन बाइक चला रहा है। खैर इस लोगों करते हैं यहीं पर एंड, वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जल्दी जल्दी हम लोग 1000 सब्सक्राइबर मार लें, और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलते हैं और मिलेंगे कल, अल्लाह। घणन जो दिल दुखायो तुम, घणन जे दिल में इंसान जगायो तुम, घणन सां प्यार निभायो तुम, घणन के पैसे लाइ बेमान ठाहियो तुम।